क्लासेस स्टार्ट करते हैं। डेली शाम 7 बजे पीएससी और व्यापम की क्लास कराई जा रही है। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता यानी कि एमसीक्यू देखने वाले हैं। टोटल आपको 30 एमसीक्यू कराया जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके पीएससी व्यापम में हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिटीजन जीके का क्वेश्चन करेंगे जो आपके इतिहास छत्तीसगढ़ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए जितना लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस कराया जा रहा है। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट क्लासेस लेकर आए हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जितने भी जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट क्लासेस चल रहा है, ठीक है। डेली आपको टोटल 30-30 एमसीक्यू कराया जाएगा। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के जीके का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, ठीक है। जितने भी एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है किससे संबंधित है, ये आपका यूपीएससी 1996 में पूछा गया है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ पिछले वर्ष का है, विगत वर्षों के प्रश्न आए हुए प्रश्न है जो आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से। इसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये आपको पुरातात्विक, जो हड़प्पा सभ्यता की पूरा जानकारी आपको स्रोत मिलता है पुरातात्विक से मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है, एसएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आपका 1921 में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी। तो ये आपकी चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी, चौड़ी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल माना जाता है, चौड़ा था और बिल्कुल सीधा था, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ये आपका रावी नदी के तट पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है, आपका यूपीएससी 1919 में आया था। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता होता है वो आपके आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, आपका कौन सा आ जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, मित्रण, ठीक है, ये आ जाएगा मित्रण। उसके बाद है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जानने का मूल स्रोत आपका लिपि है। कौन सा है, लिपि, इसको नोट कर लीजिएगा, आपका लिपि आएगा, ठीक है। आरएसआरटीएस 2006 में आया हुआ है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो आप सभी को मालूम होगा हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, जो हड़प्पा सभ्यता की युग ही कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया है वो है अलेक्जेंडर, ठीक है। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका 2006 में आया हुआ है। हड़प्पा का जो उत्खनन करने वाला था प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, 20 नवंबर से बिल्कुल नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। 20 नवंबर से नोट कर लीजिएगा, 20 नवंबर से बिल्कुल शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे, और कंप्यूटर की क्लास शाम 8 बजे। डेली क्लासेस कराया जा रहा है, बिल्कुल अपलोड की जाएगी, बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल क्लास चलेगी, ठीक है। इसके बाद है मृतकों का टीला किससे कहा जाता है, बार बार एग्जाम में आता है। जो मृतकों का टीला होता है इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला कहते हैं, मोहनजोदाड़ो क्या अर्थ है, मोहनजोदाड़ो को क्या अर्थ है, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहते हैं, ठीक है। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ी, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, मोहन जोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है।
हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैनसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैनसन ने। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? 1922 में। और पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को माना जाता है? ये आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये लोहा है। ठीक है, लोहा से अपरिचित थे। और आप सब कमेंट में बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से प्रयोग किया गया था, कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था, आप कमेंट में बताइएगा, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया था? लोथल से। ठीक है, लोथल काले लोथल से पाया था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात, इसको नोट कीजिएगा, गुजरात में लोथल आपका गुजरात में स्थित है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के गेहूं और जौ, आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन में दे रहेगा, अगर जौ भी दे रहता है और किसी भी और अनाज का नाम दिया रहता है तो आप जौ को लगाइएगा, अगर जौ के अन्यथा जौ अगर नहीं दिया रहता तो आप गेहूं को लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन लगाना, अगर दोनों रहेगा तो उसको फिर से व्यापम उसको विलोपित कर देगा। ठीक है, ये हमेशा गेहूँ या फिर जौ पूछता है, ये वाला या फिर जौ पूछता है आपके व्यापम पीएससी के क्वेश्चन में। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो आप बताइएगा गेहूं और जौ, अगर ऑप्शन में गेहूं नहीं दिया रहता तो जौ लगा सकते हैं। मृतकों का टीला, देखिए बार बार पूछता है ये, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो ये आपका ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थे, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों जी है, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन सम्मिलित थे, ये वहाँ थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये आपका मेलुहा। क्या है मेलुहा? मेलुहा का अर्थ क्या होता है आप कमेंट में जल्दी से बताइएगा, मेलुहा का अर्थ क्या होता है? जो लोग पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, फिर एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट बताइएगा मेलुहा का अर्थ क्या है। सिंधु घाटी में हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया था? सिंधु घाटी सभ्यता मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन क्यों किया गया था, इसका अर्थ क्या होता है, कमेंट में जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे पूछा गया था। आर डी बनर्जी, केन एन दीक्षित, एम एस वस, तीनों ही सम्मिलित थे, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर वी ए स्मिथ होगा। कौन सा आ जाएगा? वी ए स्मिथ। ठीक है, वी ए स्मिथ हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आरआरबी में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में भी आया हुआ था। तो ये आपका लोगों के कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, इससे संबंधित है, इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कृषि से संबंधित नहीं थी, उसके कृषि के बारे में नहीं जानते थे। किसके बारे में नहीं जानते थे? कृषि के बारे में नहीं जानते थे। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा का स्थल, ये देखिए कौन कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है पूछा गया है, तो आपका सोहगोरा है, जबकि अगर है पूछता तो चंद्रहोदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, ये तीनों आ जाएगा। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता किस देश के थे या किस देश से संबंधित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है अफगानिस्तान से संबंधित है। किससे? अफगानिस्तान से। इसके बाद आ जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, बार बार एग्जाम में आ रहा है, ये बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान है ना वहाँ से सिंध प्रांत में ये मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों का कुआं के अवशेष मिले थे? आपको मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। विशाल स्नानागार नहीं है, तो नहाने का है, ये अन्नागार है। अन्नागार क्या होता है जल्दी से बताइएगा, ये अन्नागार क्या है जल्दी से कमेंट करिए, क्या आएगा अन्नागार इसका? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या है? अन्नागार। लेकिन अन्नागार होता क्या है?
बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? यह भी आपका मोहनजोदाड़ो आ जाएगा। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे और नदी के किनारे बिल्कुल स्थित है। इसके बाद है हड़प्पा स्थल कोटदीजी, ये भी आपका मोहनजोदाड़ो आ जाएगा। अभी हाल ही में इसको पढ़े हैं कोटदीजी, ठीक है। किससे संबंधित है? तो ये मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। आज हम टोटल 30 MCQ करने वाले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। लेकिन इसमें पूछा गया है किसके प्रसिद्ध के लिए SSC CPO 2017 में आया है, तो आपको मिट्टी के पात्र के लिए, ठीक है। मिट्टी के पात्र धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। जल्दी से बताइएगा, UPSC 2010 में आया था धौलावीरा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा लोथल ये आपका गुजरात में है। इसके बाद है हड़प्पा का, इसमें कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? जो हड़प्पा है आपका धौलावीरा आएगा, धौलावीरा डी आंसर होगा, धौलावीरा। निम्न में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र, कालीबंगन तो यहाँ से संबंधित है, रोपड़ भी संबंधित है सिंधु घाटी में। इसका आप पूरी जानकारी नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो में जाइए हमारे, वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह पाटलिपुत्र आएगा, पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता होता है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? लोथल से संबंधित है, कालीबंगन से संबंधित है, रोपड़ से संबंधित है, ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लेकिन एग्जाम में कैसे पूछता है पता है आपको? लास्ट में पूछ देगा, नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ था वहाँ पर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के काल का जो तांबे का रथ है, तांबे का जो रथ है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद। राखी गढ़ी नहीं आएगा भाई यहाँ पर, देखो अहमदाबाद, अहमदाबाद इसको नोट कीजिएगा, अहमदाबाद आएगा, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के निजोक प्रसिद्ध क्या है? सिंधु घाटी ही सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन सी गलियां कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी, है तो ऐसे एग्जाम में आता है। BPSC के एग्जाम में आया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जल्दी से बताइएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बने इमारत, प्रथम असली मेहराब या पूजा स्थल या कला और वास्तुकला, चारों ऑप्शन में से एक आंसर आएगा, कौन सा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं दिया हूँ, आपका इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? BPSC 2016-18 में आया है, इसका आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए क्या आएगा, हड़प्पा का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है? ये भी लोथल है, ठीक है। जो लोग हॉस्टल वार्डन है, SI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट क्लास है। डेली क्लासेस कराया जाएगा 7:00 और 8:00। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल क्लासेस करेंगे सेक्शन 1 था, ठीक है।